करता हूँ, आज पूरे देश के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये कहता है कि इसमें ना इंसाफी हुई है मुसलमानों के साथ में, मस्जिद को वहां रेस्टोर होना चाहिए, राम मंदिर तामीर की कोई मुखालिफ नहीं है। लेकिन जो इतिहास ही बताता है कि 450 साल से वहां पर उस जगह पर मस्जिद मौजूद थी। और मैं ये कहना चाहता हूं, लॉ मिनिस्टर और पूरी हुकूमत ये जानती है कि ये कानून से मुस्लिम खवातीन का मफाद या उनके हुकूक का तहफ्फुज नहीं होगा, बल्कि इसके बरक्स मुस्लिम खवातीन की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। एक तरफ मुसलमानों के तालीमी और माशी मसाइल की बात हो रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मुल्क के तुरंत में दिल्ली से लेकर आसाम तक और दिल्ली से लेकर जो है पूरे तमिलनाडु तक जो है मुसलमानों को दहशतगर्दी का, टेररिज्म का, आतंकवाद का इल्जाम लगाकर उनके बच्चों को, उन मासूम नौजवानों को जेलों की सलाखों को पीछे छोड़ दिया जा रहा है। इस पर हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में इस वक्त कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, लेकिन आप देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को उठाकर देखिए, मुसलमानों की आबादी वहां पर 10 और 11 बंधन है, लेकिन जेलों में मुसलमानों की तादाद 30% से ज्यादा है। ये बात वादे करती है कि मुसलमानों के ऊपर में ये जो हमले किए जा रहे हैं उसको मजीद बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने इस मुल्क की पार्लियामेंट को दस्तक देकर हिंदुस्तानी मुसलमानों की गैरत पर अंगारा है कि अगर वो हक मांगना चाहते हैं तो उन्हें भी सड़कों पर आना होगा। That's why we have selected Jangipur constituency, and we think that by contesting here and by winning this seat, we want to bring the attention of the country to this Jangipur constituency.